ये भी जो है बच्ची है, चलो उठ यूट्यूबर व्लॉगर है जुहेब पेंडू, तो कल इंशाल्लाह हम उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं उनके। हमारे पुदीने को माशाल्लाह कितनी अच्छी पुंगड़ लगी है यार, और ये देखे माशाल्लाह नींबू पर नींबू भी आ गए हैं। समझ ले नींबू ही होने जो फूल है ना ऊपर सारे, तो गंदी हो गई है मेरी ये सूख हुए गिल्ली है अभी, खुशक होने में से टाइम लगेगा, तब तक लिए यही रहने देता हूँ यार। और ये भी फूल दिए गए हैं क्योंकि सूरज सामने चमका दमका रहा है, अपना आपना दिखा रहा है कि मैं निकल आया हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप, उम्मीद है ठीक हैं, खैर से हैं। तो आज का प्यारा सा व्लॉग दोस्तों करते हैं शुरू, वेलकम आपका व्लॉग के अंदर यार। तो ये देख रहे हैं ट्रैक्टर हमारा जो आ गया ऊपर, इसके कपड़े इसके दे दिए ताकि ये अभी धूप से बचा रहे। आज यार फारग यूं कोई काम नहीं दिखाई दे रहा यार, आज मेरा मूड है कि आपको अपने बच्चे दिखाऊंगा, दोनों जो हैं हमारी गाय सुनी है, तो आपको पता आपको तो मैंने बच्चे दिखाए नहीं है, तो आज मूड है दिखाने का। बाकी वेलकम व्लॉग के अंदर। तू नहीं हो सकता बस। हेलो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अहमद खान ने मुझे ये एक पापड़ दिया 10 रुपए वाला, उसके बदले मुझसे ये वीडियो बनवा रहा है। हो ये लालच दे रहा है मुझे, मुझे लालची समझता ये, लेकिन ये इसकी गलतफहमी है। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो ही कनक काटूंगा तो इसके पैसे अहमद भाई को 10 रुपए। आप इसका हाल देख ले, कनक की कटाई के बाद ये पैसे देगा 10 रुपए मुझे ना। बोतल ही पिलाओ फिर। ये कनक के आधार पे बोतल मांग रहे हैं, तो लिहाजा रिक्वेस्ट है अहमद भाई आपके आगे कि इनको बोतल दी जाए, क्योंकि कोई भी इंसान किसी के पैसे नहीं मारता, अगर मर भी जाए तो मोल भी उधर ठीक है ना चार पाई के सराहने पर खड़ा होके आवाज दे देता है, अगर किसी ने पैसे लेन देन कर दे इसके भाई मैं चल तू अगला ला घर हो। दाने जी पीस रहे हैं, पीस नहीं रहे यार, पीना कर रहे हैं दानों का ना, ये गंदे गंदे जो है ना दाने ये इधर निकाल रहे हैं, साफ साफ इस तोरे में डाली जा रहे हैं। आटा जो है घर से खत्म हो गया और दाने साफ करके फिर जाएंगे मशीन पर लेके, ये जाएंगे चाची जी चले जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा यार, आटा इतनी जल्दी हमारे घर से खत्म भी हो जाता है यार, पता ही नहीं चलता क्या बनता है घर में। चलो चलो शीब शीब ये अब हो गया इधर जी। तू मुर्दा नहीं, आज दोस्तों लाइट नहीं है तो वाईफाई जो है मेरी बंद है, ये है जी पावर बैंक 100% है, ये भाई सदव का है, उसे मैंने धारा मांगा और इसे अब ऊपर लगाते हैं ताकि दोस्तों मेरा नेट चल सके। मैंने फेसबुक पर व्लॉग अपलोड करना है तो वो कल का नहीं किया, रात का ना पैकेज मोक गया था तो खत्म ही हो गया था ना पैकेज बिल्कुल ही, लाइट भी चली गई थी, अभी इससे फिलहाल लगाते हैं, फिर वाईफाई ऑन हो जाएगी मेरी, फिर अपलोड करूंगा फेसबुक पर व्लॉग, तो जल्दी से पहले ये काम करते हैं। हाँ मदे जा ऊपर, अभी से लगा देते हैं। अभी ये वाईफाई मैंने इधर से उतार ली है, इधर लगाने लगा हूँ पावर बैंक के अंदर यार, ए ऐसे चलें जी। अब इधर से बल जाए ले ऐड हूँ, बल गई इस शापर के अंदर, इसे पूरी को डालकर मैं इधर ही रहने दूंगा, जब लाइट आएगी फिर इधर मैं इसे बांध दूंगा वाईफाई को। ये जो दोस्तों गोश्त है ये है सील मुर्गी का, मेरी सील मुर्गी जो जो आपको पता है खुडे के अंदर बैठी होती थी, उसके नीचे मैंने अंडे नहीं रखे हुए थे, वो क्या सीन हुआ कि परसों इंशाल्लाह भाई लोग इधर ही थे, वो क्या हुआ कि बिल्ले ने अटैक किया उनके ऊपर और मरोड़ दी उसकी गर्दन ना, तो चाची जी आगे उसे पानी पिलाया पर होश में नहीं थी, बेहोश हो गई समझ लें, चाची जी ने जिबा काट लिया तो उसका गोश्त अभी बनाया तो वो खाने लगा हूँ मैं, तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा चल रहा यार बिल्ले पर। इसके 5 अंडे मैंने भाई शहरों को दे दिए कि इंशाल भाई के कजन है, तो 5 अंडे थे सील, वो अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं यार, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब जो अंडे मेरे पास पड़े हुए हैं ना वो मैं खा लूंगा, मुर्गी तो बिल्ले ने नहीं छोड़ी यार। तो अगर आपने खाना है देसी सील गोश्त तो आ जाए, नहीं तो मैं तो खाने लगा हूँ यार। फिलहाल जी मैं हूँ पेट्रोल पंप पर अपना क्या कहते हैं तेल लेने, वो आपको पता है मिर्चों का भी कल भी लगाया था और आज भी अबूजी उन्होंने जाना लगाने ट्रैक्टर पे, तो उसके लिए तेल तो चाहिए लाजमन, तो तेल लेने आए हैं। मेरे साथ कदूस आया है, उर्फ उसका असल नाम है पता क्या है,
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਚਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਬ ਤਰਕ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਘਰ ਯਾਰ ਘਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੋਸਤੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਸਤਾਈ ਸੁੱਤੇ ਦੇ ਉਹ 5500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ 5500 ਦਾ ਇਸਕਾ ਜੋ ਛੋਟਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬੜੇ ਪੜ ਲਗਾਤਾ ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਖਿੱਚੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹਮ ਨਾਲ ਹੀ ਓਕੇ ਸਤਾ ਜੀ ਰੇਟ ਟੁੱਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 275 ਰੁਪਏ ਉਹ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਆ ਗਰਮੀਓ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਤਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਨੀਚੇ ਨਾ ਹੈ ਹਲੇ ਗਿਣੋ ਭਲਾ 5500 ਕੂੜਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਹੋ ਹੋਏ ਨਾ ਬੁੜੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਹੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਨੋੜੇ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ 19 ਲੀਟਰ 97 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਟੈਂਡ ਆਖਾ ਚੁੱਕੋ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਚੱਲ ਆਇਆ ਫਿਰ ਵੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਆਂ ਸੂਈ ਦੀ ਆ ਦੋ ਵੱਛੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਥੱਲੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਖੁੱਬ ਗਿਆ ਸਫਿਆਨ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕਰਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਅਬੀ ਜੀ ਆਇਆ ਹੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿਖਾਣੇ ਦੋ ਮਾੜੀ ਗਾਈ ਸੋਈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ ਮੈਂ ਮਿਠਾਈ ਮਠੂਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਯੇ ਗਾਈ ਸੂਪੀ ਥੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਯੇ ਵੀ ਸੂਪੀ ਥੀ ਮੈਂ ਇਸਕਾ ਵਲੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਥਾ ਦੋਨੋਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੂ ਗਈ ਥੀ ਗਾਈ ਆਪਕੋ ਕਬ ਬੱਚੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆਏ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਏ ਹਾਏ 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 ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਗਦਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਲਾਲ ਬੱਚੀ ਕੀ ਔਰ ਯੇ ਕਾਲੀ ਕੀ ਯੇ ਲਾਲ ਹੈ ਯੇ ਗਦਰੀ ਗਦਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕਿੰਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਲੱਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸੜਨਾ ਕਾਤੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਰੱਖਾ ਉਧਰ ਉਧਰ ਸੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋ ਛੋੜ ਦਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਆ ਔਰ ਮੈਨੇ ਸਫਿਆਨ ਕੋ ਪਕੜਾ ਸਾਥ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਵਹੇਲੀ ਆ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਯੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਿਨ ਬੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਨੇ ਯੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਯੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚੱਲ ਉੱਠ ਉੱਠ ਤੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਜ਼ਾਲਮੇ ਉੱਠ ਉੱਠਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸੇ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨੇ ਬੁੜੀ ਨਜ਼ਰ ਸੇ ਬਚਾਏ ਆਮੀਨ ਅਬੋਲ ਆਮੀਨ 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 ਖਾਣਾ ਹਮਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰ ਅਬੂ ਜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਂ ਡਾਲ ਲਿਆ ਹੋਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਰਚੋਂ ਕਾ ਬੀ ਲਗਾਣੇ ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਲਗਣਾ ਔਰ ਕੱਲ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਧਰ ਭਲਾ ਇੱਕ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਬੜਾ ਵਲੋਗਰ ਆ ਜ਼ੁਹੇਬ ਪਿੰਡੂ ਔਰ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਮ ਉਨਸੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਨਕੇ ਗਾਓ ਤਕਰੀਬਨ ਵੋ 2 ਘੰਟੇ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਮਾੜੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਵੋ ਕਿੰਗਰਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਸਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੇ ਪਾਸ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੋ ਜਾਏਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਪੱਕਾ ਸਾਥ ਬਸ ਆਪ ਵੇਟ ਕਰ ਲੇ ਤੋ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਏਂਗੇ ਔਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਸਾਥ ਖੜੇਂਗੇ ਉਨਕਾ ਗਾਓ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਉਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਅਬ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਸਿੱਧਾ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਰਾਤ ਕੋ ਆਪਕੋ ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਪਰ ਬੈਠਣਾ ਯੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਅੱਜ ਬਤਾਣੇ ਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਚਲੀਏ ਆ ਲਾਉਣ ਹੀ ਲੱਗਾ ਦਾਣੇ ਛੋੜ ਦੀ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਥੇ ਤੋ ਯੇ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਯਾ ਕੱਲ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਂਗੇ ਕੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹਮਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਬ ਖੁਦ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਆ ਸਫਿਆਨ ਚੱਲ ਚਾਚੂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਆਇਆ ਪੈ ਗਿਆ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਵਲ ਅਸਲ ਮੈਂ ਜੀ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ ਔਰ ਯੇ ਗਾੜੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੁਝੇ ਵੀ ਸਾਥ ਲੈ ਆਇਆ ਜੋ ਮਕੈਨਿਕ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਯਾਰ ਨੁਗਜ਼ੇ ਆਏ ਹਮ ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ
गाड़ी शाड़ी सेट करके अभी आया हूँ घर, कोई घंटा हो गया। तो ठीक है यार, आज का दोस्तों प्यारा सा व्लॉग था इधर एंड। मीद पसंद आया, लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दो। तो मिलते हैं कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दीजिए अपने अहमद खां को इजाजत, दो में दोस्तों याद रखना। कल जा रहे हैं जोहे पिंडू को, इंशाल्लाह मिलने यार सुबह 10 बजे तकरीबन। यार एक सीन हुआ है, अभी 7.7 डिग्री जो होता है ना वो जलजला आया अभी यार, अस्तगफिरुल्लाह पाक माफ करे, पूरे पाकिस्तान में खबर फैल गई है, मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर और हमारे इधर नारोवाल में बहुत झटके आए हैं। तो अभी बाहर बैठे हुए थे सारे जी ना, घर से बाहर निकल जाते हैं ताकि यार कोई खतरा ना हो अंदर। तो इसलिए यार ओके यार, अल्लाह हाफिज़, बाय।